रिसेंटली बड़े हमारे क्लोज फ्रेंड हैं नेहा एंड अर्जुन, तो मेरे तरफ से बेस्ट विशेज हैं। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ढेर सारा प्यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राजेश यहाँ पे आ जाओ, भाई यहाँ पे आ जाओ, सर 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 सर। अरे विशाल इधर लेके आओ यार, उधर गाड़ी आई। अर्जुन और नेहा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक तरह से फैमिली फ्रेंड्स हैं। आई जस्ट विश देम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, लव एंड मेनी मेनी इयर्स ऑफ टुगेदरनेस। मुझे दोनों टुगेदर बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने अभी शो भी किया था मैं, हाँ, और देयर जस्ट वेरी लवली पीपल एंड उनका लड़का आयान इज ऑल्सो एडोरेबल। आई जस्ट लव द होल फैमिली। Then what's going on professional front? आपकी बात करें तो आप क्या कर रही हैं? I am just chilling. But still looking for some interesting projects. क्योंकि सारे projects आ रहे हैं और काफी interesting projects आ रहे हैं, तो you must have been something in the mind. मतलब इतने कोई interesting तो मुझे आए नहीं जो मैंने sign किए हैं, so I'm just chilling and traveling and doing my yoga. Thank you so much. Thank you. आवाज़ आ रहा है? Back से क्या? हेलो 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 हेलो, हार के जीतने वाले को पता नहीं क्या फर्स्टली थैंक यू सो मच कि आप लोग आए एंड इट्स रियली स्वीट ऑफ यू गाइस। आई थिंक 9 साल एक जस्ट एक फिगर है कि 9 हुए 10 हुए, फॉर मी इट इज़ गोना बी फॉर अ लाइफ टाइम एंड दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। और आई थिंक स्मार्ट जोड़ी वही होती है जो यू नो लंबे समय तक साथ रहे, यू नो मरते दम तक साथ रहे, एंड दैट्स व्हाट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस। हम वैसे तो 18 साल से साथ हैं, शादी को 9 साल हुए लेकिन वैसे 18 साल से साथ हैं, 19 साल से साथ हैं। हाँ मुझे पता है तुम करेक्ट करोगी, इसलिए मैंने पहले ही अपने आप को करेक्ट कर लिया। एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है, ये कुछ दिन होते हैं ज़िंदगी के, कुछ त्यौहार होते हैं ज़िंदगी में जो साथ में सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज वैसे ही एक दिन हमारे ज़िंदगी का है जहाँ हम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आज हमारी शादी हुई थी, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि आज हमारी एंगेजमेंट हुई थी, आज हमने संगीत हुआ था, एक दिन पहले मेहंदी हुई थी। सो वी आर जस्ट रीलिविंग ऑल द मोमेंट्स और स्मार्ट जोड़ी के थ्रू भी हमने कई सारे मोमेंट्स रीलिव किए अपनी ज़िंदगी के। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट रियली मैटर्स, दैट यू आर हैप्पी आफ्टर व्हाटएवर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यू नो माई वाइफ इज स्माइलिंग लेकिन आफ्टर 9 ईयर्स, तो मैं खुश हूँ। Ma'am, what do you want to say? Firstly, happy anniversary. Thank you so much. And how do you see this 9 years of journey? मतलब मेरी जर्नी अर्जुन के साथ बहुत स्मूथ और बहुत खुशहाल, जैसे बोल रहा है कि ना आपके फेस पे स्माइल है, तो मेरे हमेशा इसने हमेशा ये करके चला है कि नहीं नेहा के फेस पे स्माइल रहे, तो वो ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगी। एंड सर मैंने पिक्चर भी देखी आज, वो कोई पुरानी पिक्चर,
आपने भी देखी रहेगी किस तरह से मूवमेंट फिर से आती है आपने जो वेडिंग आई थिंक एक लड़की की ज़िंदगी में लड़के से ज़्यादा एक लड़की के ज़िंदगी में उसकी जो शादी वाला दिन होता है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है, सबसे ज़्यादा खास होता है, उसकी फैमिली के सबसे ज़्यादा खास होता है, क्योंकि लड़की की जो है विदाई होती है, लड़के की नहीं होती है। तो आई थिंक आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि शाम से हम अपने फैमिली के साथ हैं। आज हमारी प्लानिंग यही थी कि पहले हम अपनी फैमिली के साथ जाएँ, अर्जुन की मम्मी थी, नानी थी और मासी हैं। सो आई थिंक फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट द बैकबोन ऑफ आर फैमिली एंड वी ऑलवेज स्टे रूटेड टू दैट। उसके बाद ऑफकोर्स दोस्त आते हैं एंड वी ऑल एन्जॉय टुगेदर, बट फॉर अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मी, नेहा, अयान, हमारी जो फैमिली है वो हमेशा साथ रहे और खुश रहे। नहीं अभी स्मार्ट जोड़ी को जो शो रिप्लेस करेगा, आई एम होस्टिंग दैट, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टार परिवार। मेरा तो लोग तो मतलब जो स्मार्ट जोड़ी का हिस्सा थे वो ऑब्वियसली उनकी जर्नी ख़त्म हुई, लेकिन मेरी स्टार के साथ जर्नी कंटिन्यू रहेगी, तो मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं दिखता रहूँगा एंड आई एम एन्जॉइंग द न्यू शो। कल पहला दिन था एंड आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। कौन है? बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है।
ये स्मार्ट जोड़ी बहुत ही स्वीट जोड़ी है, मेरे बहुत पसंदीदा लोग हैं इंडिविजुअली भी और साथ में भी। एक अरसे से इन दोनों को जानता हूँ, अर्जुन और नेहा, बहुत ही बहुत स्वीट है और हम दोनों को बहुत पसंद है वो। मुझे लगता है कि हम यहाँ पहले पहुँचे हैं। कोई ऐसी बातें जो आपको काफ़ी अच्छी लगती है? बहुत ही हॉस्पिटेबल है, दोनों ही बहुत वार्म है। अर्जुन मेरा दोस्त है बहुत पहले से, लेकिन जब भी हम कभी मिलते हैं प्लान करके या बिना प्लान किए, वी ऑलवेज हैव अ गुड टाइम। दे आर लवली पीपल, बोथ ऑफ देम वेरी नाइस पीपल, और क्या बोलूँ, और साथ में भी अच्छे हैं और इस स्मार्ट जोड़ी से कुछ सीख लें तो भी अच्छी बात है। सर सर, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यार, आज प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इतना मेहनत कर भाई, ऐसा मत करो। अरे भाई धक्का बहुत कम होते थे। क्या बैठ रहे ना तुमको, क्या लोगे रहने तो। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, एक मिनट दुर्गेश जी, जगह दीजिए। अरे इधर 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 सर सर, जल्दी जल्दी डाल दो। ओके, इस पार्ट जोड़ी की मैं बात करूँ, पूरे 9 साल से पूरे किस तरह की विशेष यार विशेज ही हैं। 9 साल अभी पूरे हुए, हम यही चाहते हैं हर साल इसी तरह प्यार से रहें, इसी तरह खुशी से रहें और सालों साल पूरे करते हैं। एंड व्हाट इज द वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट अर्जुन? यार आई थिंक दे आर वेरी जेन्युइन पीपल, और ये जो जितना प्यार उन्होंने दिखाया स्मार्ट जोड़ी में भी, कुछ भी बनावटीपना नहीं है उनमें। जो वो सामने है वही दिल में है, वही जेन्युइन बात जो है अच्छी लगती है। मैम, व्हाट डू वांट टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट? अर्जुन एंड नेहा, मैं उनसे पहली बार इस बार मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है उनसे मिलकर, एंड आई एम होपिंग दैट वी कैन कीप मीटिंग लाइक दिस। सर आपका अभी पोस्टर भी आ चुका है, कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? यार बड़ी एक्साइटमेंट है, लोगों को पोस्टर की खुशी है, देख के पसंद कर रहे हैं, और यही चाहता हूँ बस जब फिल्म आ रही है लोग जाएँ और देखें और पसंद करें। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो सर आप? यार बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैंने कुछ कुछ पार्ट फिल्म के देखे हैं और बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच। आप सबको बस जाने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, जुग जुग जी। थैंक यू सो मच।